हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हम शाम से ब्लॉग शुरू कर रहे हैं बनाना, क्योंकि अभी हम बैठे ही हैं और अब चल रहे हैं खाना बनाने। देखिए, छोटा वाला बेटा बैठा है, नाखून खा रहा है, टोपी लगाया है। आप लोग जान ही गए होंगे कि हमारे घर में क्या हुआ था। आप लोग से बताए ही थे कि हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ है कि जो कि हम लोग को इस समय बिल्कुल कुछ भी ब्लॉग्स नहीं बना रहे थे। कोशिश करेंगे कि अब रोज ब्लॉग्स बनाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत बना पाएंगे रोज डेली डालेंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप ही लोग का सपोर्ट रहेगा तभी तो होगा कुछ। और अभी तो हम बैठे हुए हैं, इधर मेरे मिट्ठू भी बैठे ही हैं, देखिए नीचे रखे हैं। ये देखिए, ये हमारे मिट्ठू हैं। अभी तो दोनों लोग बैठे हैं, अभी तो सो रहा है, बड़ा वाला सो रहा है, छोटा वाला बैठा है। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? यहाँ तो थोड़ा बहुत हुई है बारिश, मौसम बहुत ठंडा हो गया है अभी, लेकिन उतना ठंडा नहीं हुआ है कि कोई भी स्वेटर पहने, लेकिन ठंडा हो गया पहले से बहुत ही। और हम बैठे ही हुए हैं, हमारे बच्चे भी बैठे हैं। ये देखिए, एक लोग टीवी देख रहे हैं खड़े होके। ये देखिए, सब लोग टोपी लगाए हुए हैं, कैप, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, मेरे बाबा लगते हैं, अजिया ससुर, उनकी हो गई थी। तो इसके वजह से हम कोई ब्लॉग्स नहीं बना रहे थे, इसमें कुछ करना भी नहीं था। और आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं? आज हम चल रहे हैं बनाने मक्के की रोटी और आलू गोभी मटर की सब्जी, आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। बनाते तो सब लोग होंगे, लेकिन ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग बताइएगा कि हम कैसे बनाए हैं, और सबका अलग अलग तरीका रहता है बनाने का, और हम भी अपना बनाने ही चल रहे हैं। और चलिए, अगर बनाएंगे तो आप लोग से दिखाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं आप लोग से कुछ देर बाद। देखिए, हम शुरू कर दिए हैं बनाना सब्जी। इधर मसाला देखिए डाले हुए हैं, लहसुन मिर्चा प्याज पीस के तड़के दिए हैं, अभी पीस के मसाला भूनते हैं, क्योंकि काटा हुआ ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम पीस के ही बनाते हैं अभी तक। और मसाला को हम बहुत भूनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद बहुत कम आती है सब्जी, इसलिए ज़्यादातर ज़्यादा ही भून के तब बनाते हैं। तो इसको धीमे धीमे मसाले को कुछ पकाएंगे जब तक इसमें तेल नहीं फूटेगा। मसाले में जब तेल आ जाएगा तब फिर उसके बाद सूखे मसाले जो भी डालना होगा हम डालेंगे। अभी ये देखिए, अभी तो हम शुरू किए हैं आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं। और आप लोग बताइएगा कि कितने लोगों को मक्के की रोटी पसंद है। हमको नहीं अच्छी लगती, हमको पूरी अच्छी लगती है, लेकिन मक्के की रोटी नहीं अच्छी लगती, लेकिन हस्बैंड को अच्छी लगती है। पहले तो नहीं बना पाते थे हम, क्योंकि हम बनाते ही नहीं थे। मम्मी मेरी बनाती हैं, सासू माँ भी बनाती हैं, मम्मी भी बनाती मेरी, और लेकिन हम नहीं बना पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सीख गए बनाना, मक्के की रोटी अब बना लेते हैं, और क्योंकि हस्बैंड जी को पसंद है तो बनाना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ होता भी है मक्का, और रोटी अच्छी लगती है, इसकी पूड़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, तो देखेंगे। नहीं तो हस्बैंड जी के लिए रोटी बना देंगे, अपने लोग के लिए पूड़ी बना देंगे, क्योंकि हम भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते उसकी रोटी। तो जहाँ तक है कि अपने लिए और बच्चों के लिए रोटी बनाएंगे, पूड़ी बना देंगे, और हस्बैंड जी के लिए रोटी बना देंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कितने लोग को मक्के की रोटी पसंद है, और जिसको खाना हो आ जाइए, हम बना रहे हैं, जैसा भी अच्छा हो, जो भी बना रहे हैं जरूर खिलाएंगे आप लोग को। अभी तो शुरू ही किए हैं सब्जी बनाना, अभी फिर उसके बाद आटा ही गूंदेंगे,
आटा लगा के रख देंगे, फिर जब हसबैंड जी आएंगे सेक देंगे। इधर हमारे यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा था बहुत दिन से, बहुत ही वो हो गया था, तो इसलिए आज सोचा लाओ, पसंद भी है मक्की की रोटी हसबैंड जी को, तो हमने लाओ बना ही दें। चलिए आप लोग से मिलते हैं, फिर मसाला भून लेते हैं। तब मसाला धीरे धीरे देखिए पक गया है, तो ऐसे दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा पता नहीं। चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर इसी ब्लॉग में। देखिए अब हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी, छोटा चम्मच है इससे डेढ़ चम्मच हल्दी डालेंगे, और अशोक मसाला डाल रहे हैं दो चम्मच, छोटा छोटा है, और इसमें डालेंगे हम भुनी धनिया, वो धनिया पीस भून के और पीस लेते हैं धनिया को, धनिया मिर्चा जीरा भून के पीस लेते हैं, उसको डालते हैं, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, टेस्टी बहुत बनती है, उसको आप लोग यूज़ करिएगा तो बताइएगा कितना बनेगा। और हम जैसे जो धनिया रेडीमेड आती है पीसी पिसाई, उसको हम नहीं यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर घर पर ही उसको बना के तब बनाते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, फिर मसाले को पकने देंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जब मसाला पक जाएगा तब फिर इसमें सब्जी और टमाटर ऐड करेंगे। डाल दे रहे हैं नमक, थोड़ा ही डालेंगे, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार आप लोग अपने डालिएगा। अब ढक्कन को कवर कर दे रहे हैं, सब मसाला थोड़ी देर पकेगा, ये देखिए मसाला पक रहा है। अब चलते हैं हम आगे के कमरे में, थोड़ी देर बैठेंगे, धीमे धीमे पकेगा मसाला, तब फिर आप लोग को फिर दिखाएंगे कि आप सब लोग जानते ही होंगे आलू टमाटर की सब्जी कैसी बनती है, उसमें कुछ बताना नहीं है, लेकिन तो सब लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और मक्के की रोटी के साथ आलू टमाटर मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन थोड़ा रसावर रहे, थोड़ा लुटपुटी रहे तो अच्छी लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लुटपुटी ही बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। देखिए मेरा मसाला भुना गया है, आप लोग देख ही रहेंगे, ये देखिए भुन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सब्जी, सब्जी को भी डालने के बाद थोड़ी देर भूनेंगे, मसाले के साथ थोड़ी देर डाल के इसको सब्जी को भून देंगे, थोड़ी देर सब्जी भुना जाएगी तब इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती हम ऐड कर देंगे, हमको धनिया की पत्ती बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए हम और इसमें काट के मसाले के साथ ही सब्जी डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सब्जी सब्जी का। जब आप अभी दिखाएंगे आप लोग को हम कैसे डालते हैं धनिया पत्ती, लग रहा है ये देखिए दिख रहा है कि नहीं आप लोग को सब्जी का कलर, बहुत ही ऐसे ही बनाइए तो अच्छी लगती है, लेकिन तो थोड़ा लुटपुटी ही अच्छी लगेगी उसके साथ, तो इसलिए बना रहे हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, अब इसी के साथ ही थोड़ा सा धनिया की पत्ती इसमें ऐड कर देंगे, आप लोग डालिएगा देखिएगा बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी धनिया की पत्ती ऐड करने के बाद। इसमें थोड़ा सा भून देंगे सब्जी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है बनने पर, देखिए ऐसे ही बनाइए कुकर में तो सब्जी अच्छी लगती है,
ज़्यादा हम बहुत, जैसे कोई आ गया तो बहुत फ्राई व्राई करके बनाते हैं, नहीं तो बहुत हम सब्जी को फ्राई नहीं करते ज़्यादा, मसाले को खाली भूनते हैं बहुत देर तक, और उसी से ही सब्जी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। इसमें पानी ऐड कर दे रहे हैं, इसी में जो पानी मसाले लगे हैं इसको भून के डालने के। इसमें हमने देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ये अब ढक्कन को कवर कर देते हैं। अब दो सीटी होने तक रख देंगे, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। तब फिर उसके बाद जब हस्बैंड जी आएंगे तो रोटी सेकेंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे कि हम रोटी कैसे बनाते हैं मक्का की, और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी बताइएगा, ज़रूर ज़्यादा शेयर करिएगा हम लोग हमारे साथ कि आप लोग रोटी कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमको रहेगा ना कि हाँ हम देखें हम कैसे बनाते हैं, सही बनाते हैं कि गलत बनाते हैं, तो आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और कितने लोग को पसंद है मक्के की रोटी वो भी बताइएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं आप लोग से अभी। ये देखिए मक्के का आटा हम जा रहे हैं सानने, थोड़ा पानी डाल डाल के सानेंगे। खाली मक्के का ही आटा बनाते हैं, इसमें कोई और चीज़ नहीं ऐड करते हैं। इसमें ऐड भी करना है तो धनिया पत्ती नमक मिर्चा ये सब डाल के बनाइए, तभी भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन तो हम सादा ही बनाते हैं क्योंकि सब्जी से खाना है तो फिर सादा ही अच्छा लगेगा। और देखिए सान रहे हैं, और ठंडी में खाने में फायदेमंद भी है, मक्के का हुआ बाजरा की हुई, बाजरा का तो मेरे यहाँ बनता ही नहीं है, मेरे मायके में बनता है बाजरा, क्योंकि वहाँ मेरी मौसी प्रताप रहती हैं तो वहाँ पे होता है बाजरा, तो वो भिजवाती हैं, तो पापा मेरे खाते हैं, पापा को बहुत पसंद है। देखिए इसका आटा ऐसे ही रहेगा, ऐसे पानी डाल डाल के इसको थोड़ा थोड़ा इसमें ये पूरा आटा ऐसे लगा के रख देंगे, अभी जब खाना होगा तो थोड़ा सा पानी डाल डाल के और सान के तब बनाएंगे इसको, अभी तो आटा सही नहीं सना है। ये देखिए ऐसे ही सानते हैं इसको, पहले हमको बनाना नहीं आता था क्योंकि मम्मी बनाती हैं तो उनका देख देख के अब थोड़ा बहुत आ गया है, बना लेते हैं जो भी बना पाते हैं, पहले तो नहीं बना पाती थी। देखिए आटा मेरा लग गया, अब इसको जब खाना होगा तब हम सेकेंगे थोड़ी देर, इसमें थोड़ा सा पानी ऐसे डाल के रख देंगे जो कि वो नहीं होगा, बस तभी जब रोटी बनाएंगे तब आप लोग को दिखाएंगे कि रोटी इसकी कैसे बनती है। ये देखिए रोटी बना रहे हैं, ये इसको ऐसे गोला बना दिए हैं, फिर ऐसे हाथ से ही बनेगा। देखिए ये रोटी मेरी डाल दिए तावे पे, क्योंकि बड़ा वाला बेटा कहा मम्मी हमें एक रोटी खाएंगे, हम पहले आप बना ही दें एक रोटी, तो उसको बना रहे हैं। देखिए रोटी डाल दिए हैं, इसको बहुत संभाल के ही करना पड़ता है रोटी। ये देखिए एक तरफ सिका गई है, इसको गैस पे सेकेंगे उतार के तावा, चूल्हे पे बहुत अच्छी लगती है इसकी रोटी, लेकिन तो चूल्हा कहाँ मिलेगा, गैस पे ही बना रहे हैं हम, तो आप लोग को फिर दिखाएंगे कि हम सेकते कैसे हैं इसको, थोड़ा सा हो जाए तो। देखिए हम रोटी सेक रहे हैं, अब इसको उतार के गैस पे सेकेंगे,
पहले इसे थोड़ा देर सेक लेंगे तो फिर उसके बाद बढ़िया सेक आ जाएगी रोटी। आप लोग बनाइएगा तो बताइएगा, खाइएगा तो कैसी लगती है आप लोग को। हम तो खाते नहीं हैं लेकिन तब आज बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी बनाओ, देखें खाएंगे। अभी रुक जाओ, पापा से बता दे रहे हैं तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसी बनी है। देखिए रोटी लाल लाल हो गई ना, देखने में अच्छी भी लग रही है। छोटी ही तो बनी, अम्मा तो और बड़ी बड़ी बनाती है। अम्मा रोटी अच्छी बनाती है ना, छोटी बनानी नहीं बन रही है सही। देखिए मेरी रोटी बनके तैयार हो गई, तो आप लोग को भी मिलते हैं, दिखाते हैं कि कैसी लगी। ये देखिए मेरी मक्के की रोटी तैयार हो गई, मक्के की रोटी, आलू गोभी मटर की सब्जी और चटनी हम बना दिए हैं। अब इसको खिला रहे हैं, देखिए ये खा के बताएगा कि कैसी बनी है आप लोग को। इसमें घी लगा के खाइए, बहुत अच्छी लगती है। वेरी नाइस, अच्छी बनी है। आप लोग भी खाइएगा और तब कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को भी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ज़रूर। चलिए रखते हैं, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, रखते बाय बाय। और आप लोग मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए रखते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।